हेलो फ्रेंड्स, अगर आप श्रीशैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की यात्रा करना चाहते हैं और साथ ही हैदराबाद के दर्शनीय स्थल चार मीनार, गोलकुंडा फोर्ट और रामोजी फिल्म सिटी की भी विजिट करना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए। IRCTC अर्थात इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन आपके लिए फिर एक बार बहुत बेहतरीन रेल टूर पैकेज लेकर आया है, जिसमें आप श्रीशैलम और हैदराबाद की यात्रा करते हुए इन सब जगहों पर जा सकेंगे, वो भी रहने और घूमने फिरने की बेहतर सुविधाओं के साथ। है ना मज़ेदार बात। इस वीडियो में हम आपको हैदराबाद विद श्रीशैलम रेल टूर पैकेज की पूरी डिटेल्स बताने वाले हैं। पहले हम आपको डेस्टिनेशंस के बारे में बताएंगे और उसके बाद पैकेज के बारे में, मसलन टूर कब और कहां से शुरू होगा, कितने दिन का होगा, कहां कहां जाएंगे और क्या क्या देखेंगे, टूर पैकेज में क्या शामिल है और क्या शामिल नहीं है, पैकेज का किराया कितना है, पैकेज के बारे में अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए कहां संपर्क करें तथा ऑनलाइन बुकिंग कैसे कराएं, ये भी बताएंगे। आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको IRCTC के टूर पैकेजेस की नवीनतम जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग श्री भ्रमरम्बा मल्लिकार्जुन मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव और पार्वती को समर्पित है। यह आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में स्थित है। यहाँ शिव की पूजा मल्लिकार्जुन के रूप में की जाती है। तेलंगाना के हैदराबाद शहर से यह 213 किलोमीटर दूर है। चार मीनार हैदराबाद शहर में एक स्मारक है जिसका निर्माण 1591 में किया गया था। यह हैदराबाद की सबसे प्रसिद्ध इमारत है और भारत की भी फेमस इमारतों में शामिल है। इसे मोहम्मद कुली कुतुब शाही ने बनवाया था। रामोजी फिल्म सिटी आज के समय में हैदराबाद का प्रमुख आकर्षण बन गया है। अगर कोई हैदराबाद जाए और यह फिल्म सिटी देखने नहीं जाए ऐसा हो नहीं सकता। इसका निर्माण सन 1996 में फिल्म निर्माता रामोजी राव ने किया था। यहाँ आपको एक बहुत ही आकर्षक आर्टिफिशियल शहर में घूमने का और फिल्मों की शूटिंग के लिए बनाए जाने वाले सेट्स देखने का मौका मिलेगा। गोलकुंडा का किला भी हैदराबाद शहर से पश्चिम में 11 किलोमीटर दूर एक ऐतिहासिक धरोहर है। यह सन 1518 से 1687 के बीच कुतुबशाही राजवंश के मध्ययुगीन सल्तनत की राजधानी थी। पैकेज डिटेल्स। स्प्लेंडिड हैदराबाद विद श्रीशैलम एक्स मुंबई नामक इस टूर पैकेज की डिटेल्स इस प्रकार है। 4 रात और 5 दिन की अवधि वाले इस पैकेज की शुरुआत 9 नवंबर 2023 को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से होगी। पुणे और सोलापुर भी बोर्डिंग स्टेशन है। 9 नवंबर के बाद प्रति सप्ताह प्रत्येक गुरुवार को यानी एवरी थर्सडे इस टूर पैकेज की मुंबई के इसी स्टेशन से शुरुआत होगी। इस पैकेज का शुरुआती किराया है ₹17,500। ट्रेन डिटेल्स। पैकेज के तहत ट्रेन डिटेल्स इस प्रकार है। टूर पैकेज के दौरान स्टैंडर्ड कैटेगरी में हैदराबाद के होटल सेंट्रल कोर्ट या सिमिलर होटल में ठहराया जाएगा तथा कंफर्ट कैटेगरी में होटल रॉयल रेव या सिमिलर होटल में ठहराया जाएगा। यात्रा कार्यक्रम। पैकेज का डे टू डे यात्रा कार्यक्रम अर्थात टूर आइटनरी इस प्रकार है। Day 1 यात्रा के पहले दिन गुरुवार को आप हुसैन सागर एक्सप्रेस से मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन से रात्रि 9:50 पर रवाना होंगे। रेल में ही ओवरनाइट जर्नी करेंगे। यात्रीगण अपने स्वयं के भुगतान पर भोजन कर सकेंगे। Day 2 यात्रा के दूसरे दिन दोपहर 12:10 पर रेल हैदराबाद के रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। पहले होटल जाएंगे, चेक इन करेंगे और उसके बाद गोलकुंडा का किला और चार मीनार देखने जाएंगे। होटल आकर डिनर लेंगे और ओवरनाइट स्टे करेंगे। यात्रीगण इस दिन सवेरे का ब्रेकफास्ट और दोपहर का लंच अपने स्वयं के भुगतान पर कर सकेंगे। Day 3 होटल में सवेरे जल्दी ही ब्रेकफास्ट लेने के बाद टैक्सी या कैब से श्रीशैलम के लिए प्रस्थान करेंगे। वहां से रात को वापस होटल आकर डिनर लेंगे और रात्रि विश्राम करेंगे। इस दिन का लंच स्वयं के खर्चे पर ही होगा। Day 4 सवेरे होटल में ब्रेकफास्ट लेने के बाद रामोजी फिल्म सिटी की विजिट के लिए जाएंगे। शाम को सीधा स्टेशन पहुंचेंगे और रात्रि 10:35 पर हैदराबाद से चलने वाली मुंबई एक्सप्रेस से मुंबई के लिए प्रस्थान करेंगे। ओवरनाइट जर्नी करेंगे। इस दिन भी लंच डिनर तथा ऑनबोर्ड मील स्वयं के भुगतान पर ही होगा। Day 5 यात्रा के 5वें दिन मुंबई पहुंचने के साथ ही आपकी यात्रा का समापन होगा। पैकेज में क्या शामिल है।
पैकेज में क्या शामिल नहीं है? टूर पैकेज का किराया। कंफर्ट क्लास के थर्ड एसी में यात्रा करने पर प्रति व्यक्ति सिंगल शेयरिंग पर किराया होगा 35,100 रुपये, ट्विन शेयरिंग 21,400 रुपये और ट्रिपल शेयरिंग 20,500 रुपये। 5 to 11 ईयर चाइल्ड विद बेड 15,400 रुपये और विदाउट बेड 14,900 रुपये। इसी प्रकार स्टैंडर्ड कैटेगरी के स्लीपर क्लास में यात्रा करने पर सिंगल शेयरिंग प्रति व्यक्ति 31,300 रुपये, ट्विन शेयरिंग 17,700 रुपये और ट्रिपल शेयरिंग 17,500 रुपये किराया देना होगा। 5 से 11 साल के बच्चों का विद बेड 13,300 रुपये और विदाउट बेड 12,500 रुपये किराया है। इस टूर पैकेज की बुकिंग के लिए आप इस एड्रेस पर या फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं अथवा IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना नहीं भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।